नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। हमारे देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुत सारे नियम, बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं। बहुत सारे आयोग भी उसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे अधिनियम जो हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन किस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, सरकार किस तरह से नई नई योजनाएँ, नए नए नियम ला रही है, आज हम इन्हीं सब चीज़ों को अपने शो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आज हमारे बीच में श्री जावेद उस्मानी जी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उस्मानी साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग में हैं, काफ़ी लंबे समय से आपने काफ़ी समय दिया है। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, बहुत सारे चेंजेस कराए गए होंगे आयोग में। ITI जो है वो आम जनता के बीच में किस प्रकार से काम करती है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ITI और आम जनता के बीच में किस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम कर रही है? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस अधिनियम के प्रीएम्बल में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। इसका पहला उद्देश्य ये है कि शासन और प्रशासन तंत्र की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी। दूसरा उद्देश्य है कि जवाबदेही, सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़े। और तीसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। अपने में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि हम देश में और प्रदेश में गुड गवर्नेंस की स्थापना की बात करते हैं, सुशासन की स्थापना की बात करते हैं, तो उस दिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ये अधिनियम मेरे विचार से देश में, प्रदेश में, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अगला क्वेश्चन आपसे है कि ITI के तहत किस प्रकार की सूचना आम जनता दे सकती है, और विभाग की गोपनीयता को कोई खतरा है या नहीं? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी और एक्ट में कुछ भी लिखा होने के बावजूद अगर सूचना ITI एक्ट के तहत दे है तो उसको उपलब्ध कराना है। मतलब ये आधार नहीं बनाया जा सकता कि हमारे इस एक्ट में ये लिखा गया है कि ये सूचना नहीं दी जानी है इसलिए हम नहीं देते। किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो, चाहे वो किसी अन्य एजेंसी का अपना एक्ट हो, उसमें कुछ भी लिखा गया हो सूचना देने या ना देने के बारे में, मतलब गोपनीयता जैसे वो उसको ओवरराइड करती है ITI एक्ट। तो इस प्रकार से ITI एक्ट जो है ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, ट्रांसपेरेंसी पैदा करने की दिशा में बहुत बहुत मजबूत कदम है। केवल और केवल वही सूचना देने से मना किया जा सकता है जो कि ITI एक्ट के तहत ही एग्जेम्पशंस की लिस्ट में शामिल है। ITI एक्ट ने स्वयं एक लिस्ट दी है कि कौन सी प्रकार की सूचनाएं हैं जिनको इस एक्ट के तहत नहीं दिया जाता है। वो एक लिमिटेड लिस्ट है, केवल उन सूचनाओं को हम देने से मना कर सकते हैं, अन्य सारी सूचनाएं विभाग को देनी है। ITI या ITI एक्ट की बात आपने की, इसमें कहां तक भ्रष्टाचार में कमी आई है अगर ITI आने के बाद, किस प्रकार से हमने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी? देखिए, सबसे पहला तो इसका असर ये है इस एक्ट का के शासन तंत्र और जनता, इसके बीच में जो शक्ति संतुलन था, इस अधिनियम ने उस शक्ति संतुलन को जनता के पक्ष में शिफ्ट किया है। जनता को इस एक्ट ने सशक्त बनाया है। 2005 में ये एक्ट लागू हुआ था। 2005 से पहले ये कल्पना से परे था कि कोई आम आदमी, आम जनता का व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर में जाकर के अधिकार के साथ कहे कि फला फाइल के फला पेज की फोटोकॉपी मुझको दीजिए। ये कल्पना के परे थे, आज की डेट में ये उसका अधिकार है। तो इस तरह से इस एक्ट ने जनता को सशक्त किया है। दूसरा, इसमें इस एक्ट के माध्यम से
एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति पैदा हुई है। आज हर सरकारी अधिकारी कर्मचारी ये जानता है कि पत्रावली पे जो कुछ भी वो लिख रहा है, कल RTI एप्लीकेशन डालकर कोई व्यक्ति उसकी फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है। इससे उसका उत्तरदायित्व बढ़ा है, उसको ये स्पष्ट है, इसके लिए स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी वो सुझाव दे रहा है, जो कुछ भी वो निर्णय कर रहा है, उसका जस्टिफिकेशन वो जस्टिफाइड हो, वो उचित, न्यायोचित हो। अगर उचित काम नहीं है तो वो पत्रावली पर उसको लिखने में सकपकाएगा, भरेगा। तो इस तरह से इस एक्ट ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को सुधारा है। सर, हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि RTI का भविष्य में, देश के विकास में किस प्रकार का रोल होगा? अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या रोल प्ले करेगी RTI भ्रष्टाचार को खत्म करने के? देखिए, ये इस एक्ट का प्रयोग बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और उसमें लगभग 20,000 जन सूचना अधिकारी डिफरेंट विभागों के दफ्तरों में कार्यरत हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जो जन सूचना अधिकारी नियुक्त होते हैं। तो मैं अनुमानित है लगभग 20,000 जन सूचना अधिकारी कार्यरत हैं और प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में उनको एप्लीकेशंस प्राप्त होती हैं सूचना मांगने की। और हमारे आयोग में ही लगभग 35,000 अपीलें प्रति वर्ष जनता की ओर से आती हैं, ऐसे केसेस में जहां उनको जो सूचना मिली है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए इस एक्ट का भरपूर प्रयोग हो रहा है, इस एक्ट का बहुत अच्छा प्रयोग आम आदमी कर रहा है। और मेरा ये विश्वास है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे RTI एक्ट का प्रयोग पब्लिक ज़्यादा करेगी और उसके माध्यम से बेहतर प्रशासन, गुड गवर्नेंस प्रदेश में और देश में स्थापित होगा। अभी आपने बताया कि मतलब हर जनपद में करीब 20,000 से ज़्यादा जो है RTI में काम कर रहे हैं। हर जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और जनता जो है भरपूर इसका यूज कर रही है कि अपने मतलब जो भी उसके क्वेरीज हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसका कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है? देखिए, जब कभी भी इस प्रकार का कोई अधिनियम बनता है तो कुछ लोग ऐसे अवश्य आते हैं जो कि उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए हम जो हमारे जन सूचना अधिकारीगण हैं, हम उनका एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें उनको हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, इस एक्ट के तहत उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं ये बताते हैं। साथ ही भी उनको हम ये भी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है तो किस प्रकार से उस एप्लीकेशन को, उस केस को हैंडल किया जाए। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने RTI एक्ट की बात की, सूचना आयोग किस तरह से काम करता है, उसके सूचना आयुक्त हमारे साथ में मौजूद थे जिन्होंने सारी डिटेल में बताया कि किस प्रकार से RTI का यूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उस पर नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।